देखिए, अवार्ड पाना खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है। खुशी इसीलिए कि मुझे मेरा मेहनत लोग पहचान गया और वैल्यू देने लगा, लेकिन दुख इस बात की है मेरा रिस्पॉन्सिबल बढ़ गया। देश का सेवा करने के लिए दिया गया है, मुझे अवार्ड लेके आराम से बैठने के लिए नहीं दिया है, नाम कमाने के लिए नहीं दिया है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबल बढ़ गया। देश में जितना दुख तकलीफ है हेल्थ इशू में, हेल्थ सेक्टर में, मैं इसको कैसे इरादित करेगा, कैसे सॉल्व करेगा। हर बीमार का इलाज तो मैं करती हूँ, तो आगे और कैसे मेरा इलाज अच्छा होगा, मेरा पेशेंट लोग कैसे तंदुरुस्त रहेगा और मेरा पब्लिक लोग, देशवासी लोग कैसे जड़ी बूटी से अपना पेटा मिलेगा। मेरा दिमाग और अभी और भी आगे काम में मेरा बिजी रहूँगी और रिस्पॉन्सिबल मेरा बढ़ गया, तो इनाम मिलना आसान काम नहीं है। और तकलीफ, हजारों तकलीफ खाने के बाद, मेहनत करने के बाद, क्रिटिसिज्म करने के बाद, गाली गलौज करने के बाद, बहुत तकलीफों के गुजरने के बाद ही मिला जाता है, और इतना सालों के बाद ही मिला जाता है, ये एक साल का नहीं है। दो साल का, पाँच साल का काम नहीं है। मेरा ये साधना है लोगों का भले के लिए, जो दिल से निकलने वाला सेवा भाव है और आगे लाने के लिए। ये अवार्ड मिलना कोई खुशी का, इतना खुशी का बात भी नहीं है मैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इतना, मेरा काम, मेरा कर्म ने मुझे इतना बड़े बड़े लोगों के साथ मिलवाया, जैसे मोदी, अमित शाह, मुर्मू प्रेसिडेंट मैडम, और भी बहुत थे और अवार्डी थे, बड़े बड़े आत्मा लोग को देख के प्रेरणा मिलता है, ताकत मिलता है, हाँ और भी मैं आगे बढ़ूँगी। उन लोगों को देखते ही एनर्जी मिलता है, जीने का एनर्जी, जीने का शक्ति और लोगों का सेवा करने का शक्ति आ जाता है। उसके बाद मैं आप ये मानती हैं कि स्किल है, ये सभी लोग सीख सकते हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी सीख सकते हैं, उनको भी इस फील्ड में पद्मश्री अवार्ड कहीं ना कहीं आगे जाके मिल सकता है, क्योंकि आप अभी कह रहे हैं कि आपने कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप ऑनलाइन भी यूट्यूब में सिखाते हैं सभी को कि कैसे कैसे हार्ट अटैक जैसे डिजीजेस को भी ठीक करना है। देखिए, हर्बल में सब बीमार इजी है, हाँ नेचर में सब इजी, इसलिए सीरिया पशु पक्षी बीमार नहीं होते, इंसान ही बीमार होगा, क्योंकि इंसान गलत खाना खाता है, प्रकृति का अगेंस्ट में जाता है, प्रकृति को नज़रअंदाज करता है, वही है। और एक क्या पूछा था मुझे अब अभी, आगे योट योट लुक तो शुरू करना है, मैं भी तो योट से शुरू किया था ये काम, अभी मैं एस हो गया हूँ। देखो, योट लुक तो और आगे ले जाना है ये ज्ञान को, क्योंकि क्या आप कहेंगे कि जो आप अभी के जो एंशियंट जो आप ट्रेडिशन यूज करती है मेडिसिन बनाने का, वो अभी का जो मॉडर्न जमाना है, जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, उनसे ज्यादा बेटर है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैंने आज, मैं इतना 30 साल में मैं देखा गया हूँ, एक बीमार भी क्योर नहीं है एलोपैथिक में। डॉक्टर लोग मुझे खराब नहीं पाना है, मैं सच बताओ, खराब पाने से पाने दो, सच में तो वही में मरना है, वही में जीना है ना। एक बीमार क्योर नहीं, कंट्रोल रखता है। जैसे एग्जाम्पल आसाम में देखो ना, 15-20 इवन अरुणाचल में 15-15 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स शुगर का दवाई खाता है, तो कहाँ शुगर ठीक होता है? खाते रहो तो जाके बीपी उठो, बीपी का खाओ, किडनी डैमेज, किडनी का खा के लीवर डैमेज, एक बीमार से 10 बीमार निकलता है। तो हर्बल में एक पत्ता 10 बीमार करता है, 10 का इलाज करता है। देखिए, हर्बल सबसे ईजी है। तो देखिए, अब पशु पक्षी मैथुन से कौन, मैथुन को बीमार होता है, सीरिया लोग बीमार होता है, कैंसर होता है क्या? देखो, इसलिए मैं हर्बल में सब कुछ इजी है, कॉम्प्लिकेशन इज इन द व्हाट्स कॉल्ड इन मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन लोग मानते नहीं ये बात, वो ज्यादातर, आपने खुद भी अपने मुंह से कहा है कि ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर नहीं कर पाते तब फिर वो आपके पास आते हैं। क्योंकि हाँ, मैं लास्ट डॉक्टर हूँ, क्योंकि दे आर इजी गोइंग, उसका दिमाग खुला नहीं है। क्योंकि हम लोग ट्रेडिशन, हम लोग जब सोता था बचपन में था ना, हम लोग का गांव में हॉस्पिटल भी नहीं था और रास्ता भी नहीं था, तो आदमी भी इतना बीमार नहीं था। अभी इतना हॉस्पिटल है, इतना डॉक्टर है, इतना रास्ता अच्छा है, तो कहाँ बीमार निपटाता है? कौन बीमार को निपटाता है, आप लोग मुझे बता सकता है? कौन बीमार को क्योर करता है? एक बीमार क्योर नहीं है, सच बोले तो।
मैं ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या मेरा माँ पिताजी देयर पॉपुलर, मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ, शायद उसी का वजह से भी होगा इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा। तो ये हार्डवेयर को तो लेकिन आदमी का दिल में सेवा भाव आना पड़ेगा। जब तक आपका दिल में अनकंडीशनल लव नहीं गुजेगा, अनकंडीशनल लव नहीं जगेगा, आप किसी को सेवा कर नहीं पाएगा, आप सेल्फिश बनते रहेगा, खुद के लिए आप जिएगा। लेकिन हम लोग को बचपन से माँ बाप सिखाया है जीना है औरों के लिए जियो। पेड़ जैसे कि पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीता, सूरज अपना किरण नहीं खाता, धरती अपना फसल नहीं खाता, इसी तरह खुद का जीना तो क्या जीना है, खुद के लिए जीना, वो क्या कोई जीना है क्या, औरों के लिए जियो मरो, वही तो असली जीना है। वही तो हम लोग को नेचर सिखाता है, सूरज चंद्र सिखाता है, हवा पानी सिखाता है, पेड़ पौधा सिखाता है, उससे पहले सीख लो, वही मैं मानता हूँ। देखिए अभी हम गाँव गाँव में जाने का मेरा समय गया, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफिसर था, ट्रेनिंग ऑफिसर था, तब मेरा समय था, तो मैंने किया। मैं समय को कदर करता हूँ, मैं समय के साथ चलता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। तो अभी मैं अभी देखो मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ, इसलिए मैं बीमार को ही प्रैक्टिस करूँगी। अभी जो ट्रेनिंग है आना मेरा घर में आओ, बहुत लोग आता है, बहुत स्टूडेंट आता है, बहुत स्कॉलर आता है, इवन आयुर्वेद डॉक्टर लोग भी आता है सीखने के लिए। हम बताता है मेरा तो खुला रखा है, आप लोग सब देखता है, सब पेड़ पौधा मैं खुला रखा हूँ, कौन बीमार क्या, कौन पेड़ पौधा क्या में आता है, मैं तो बताता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि तुम लोग भी सीखो, तुम लोग भी हेल्दी रहो, तुम लोग भी बीमार मत हो जाओ, तुम लोग भी भूखा मत मरो, कोई भूखा मत मरो, कोई बीमार मत हो, यही मेरा मिशन है। मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं एक माँ औरत हूँ, क्योंकि और औरत माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है, माँ का प्यार कोई कुछ मिलेगा बोल के प्यार नहीं करता है, कुछ मिलेगा बोल के मर्डर नहीं करता है, कुछ मिलेगा बोल के काम नहीं करता है। हम ये अवार्ड मिलेगा बोल के कभी हम छूसा भी नहीं था, हम कभी सोचा भी नहीं था, हम अपना कर्म करते गया। मेरा कर्म अच्छा होना है, मेरा मरीज जो है इतने को ठीक होना है, वही मेरा टारगेट रहा। मेरा दवाई एक नंबर होना है, मेरा दवाई अच्छा होना है, पैसा मिलो या ना मिलो, पैसा तो सेकेंडरी है, क्योंकि जो मेरा कर्म है वही सबसे ऑनेस्टली करना है, आत्मा से करना है, दिल से करना है, वही मेरा कर्म है। कर्म निभाते निभाते ऊपर वाला ने या तो मुझे पहुँचा दिया, ये बात है। हाँ मैम, आयुर्वेद जब जैसे कि सभी को पता है कि आयुर्वेद की शुरुआत यहाँ भारत देश हुई थी, और उसी का भाग अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जरा तो मेन पार्ट जो जंगल से कवर्ड है, जो कि आयुर्वेदिक का मेन सोर्स है, लेकिन भी अरुणाचल के अभी तक आयुर्वेद को वो मान्यता वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? ये दिमाग लोग को उसका इंग्लिश वायरस घुसा है ना, उसको निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अडॉप्ट हो गया वो लोग का ना। तो यही तो मेरा चैलेंजिंग है, इंसान को सिखाना इतना कठिन है, लेकिन जानवर को सिखाना इतना आसान है। इंसान को नहीं, इंसान इंटेलिजेंट एनिमल है, लेकिन उसको सिखाना बहुत मुश्किल है, उसको भोग लगा। मेरा इतना साल क्यों लगा, 30 साल क्यों लगा इंसान को सिखाते सिखाते मेरा तो ये सिखा नहीं कहता, लोगों को अवॉर्ड करना था, आज तो कोई सिखा ही क्या, नहीं सीखेगा, क्योंकि वो उसमें विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, वो इंग्लिश को केमिकल को बिलीव है, क्या करेगा। जहाँ में वो बिलीव ऑर्डर में जाओ, जो जहाँ में बिलीव है हार्डवेयर में जाओ, वही है। इंसान को सिखाना, उसका उसका दिमाग को ना सही जगह में लाना सबसे कठिन टास्क है, इससे तो जानवर इजी है। तो इसलिए जब तक उसका दिमाग से दिल से नहीं आएगा, आप हजारों ट्रेनिंग दो ना, वो कुछ होने वाला नहीं है, दिल से निकलना पड़ेगा। हाँ मैं ये करूँगा, हाँ ये मैं भरोसा है, ये मैं विश्वास है। जब उसका दिल में विश्वास ही नहीं, वो कहाँ से उसका क्योर होगा। सो इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड हम लोग आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लगो क्लान एक्सटेंड माई हार्टेस्ट थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क्स ऑन दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया उनका जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो काम कर रहा था, उसको रिकॉग्निशन किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑन बिहाफ ऑफ लगो, हम लोग का लगो क्लान से हम सबको थैंक्स देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली। जो अभी का जनरेशन है उनको आप क्या कहना चाहिए ताकि वो ये सब से सीखे? वो देखो ये सब एक्चुअली जो मेडिसिनल जो सिस्टम है, हम लोग का जब मेडिसिनल मेडिकल फैसिलिटीज नहीं था तब से ये सब चल रहा था, और इसी से हम लोग का अपना हीलिंग सिस्टम होता था। तो वो इसको लेके अभी
इसको पॉपुलराइज किया है, इससे बहुत आदमी को ट्रीटमेंट भी मिला है, अच्छा ट्रीटमेंट। तो हम यंग लड़का लोग को बोलते हैं इसको, थोड़ा यंग जनरेशन को बोलते हैं इसको थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च भी मतलब थोड़ा सा करना चाहिए, इसके ऊपर में रिसर्च करके इसको कैसे साइंटिफिक वे हम लोग लिया सकता है, वो सब हम लोग एफर्ट लगाना चाहिए। श्रीमती यानुंगजा, मतलब उन्हें पूरा जो कंट्री है उसका इतना एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा लगा? ये तो हमारा स्टेट के लिए, हमारा राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गर्व की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। और एंटर हमारा स्टेट का जो लोग है वो लोग भी बहुत खुश होगा और हम लोग भी आदि बने गवांग भी बहुत खुश है। और हमारा आदि का ये सेकंड पद्मश्री अवॉर्डी है, इससे पहले ममंगदाई मैडम को अवॉर्ड मिला था हमारा आदि बेल्ट में से, तो अभी यानुंग जमलगो को मिला है, हम लोग बहुत खुश है और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा अरुणाचल से इतना हमें नहीं मिलता है पद्मश्री अवार्ड के लिए, इतना हमें वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो अब हमारे जो ये क्या यंगर जनरेशन है उसका आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी उससे सीखे और उन्हें भी जो पद्मश्री से प्रेस्टीजियस अवार्ड से प्रोत्साहित किया जाए? जिस तरह से लगो मैडम ने ये मुकाम हासिल किया है, तो इसमें उन्होंने जो हर्बल मेडिसिन के ऊपर, जो फोक मेडिसिन के ऊपर उन्होंने जिस तरह से काम किया है, हमारा स्टेट में बहुत सारा ऐसा प्लांट्स है, बहुत सारा ऐसा ये प्लांट्स एंड ट्रीज है जिससे हम हर्बल मेडिसिन, फोक मेडिसिन को हम लोग उसको आगे ले जा सके, बना के आगे ले जा सके और ट्रीटमेंट के लिए भी हम उसको ट्रेडिशनली इसको हम लोग यूज़ कर सकता है। तो यंगर जनरेशन को मेरा यही अपील है कि हम स्टेट का जितना रिसोर्सेस है, जो हमारा स्पेशली जो फॉरेस्ट है, इसको हम लोग रिसर्च करके जो फोक के लिए हम लोग फोक मेडिसिन के लिए जो आता है उसको हम लोग अच्छा से फार्मिंग करने के बाद में इसको ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन का प्रैक्टिसेस में उसको हम लोग लाने से देंगे। तो यंगर जनरेशन को हम मेरा यही अपील है कि वो लोग इस तरह से इसी तरह से लगो मैडम को जिस तरह से उन्होंने अचीवमेंट मिला है उस तरह से वो यंगर जनरेशन भी उसको उसका एग्जाम्पल की तौर पर उसको देख के और वो लोग भी आगे बढ़ना है।